वहीं आम आदमी पार्टी ने हिसार में प्रेस वार्ता की और इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेशनल एडवाइजर अनुराग ढांडा ने कहा कि अब सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई विदेशी उम्मीदवार हैं, वह कभी भी भ्रमण करने नहीं आते हैं और आते हैं तो कभी कभी आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को टिकट देने का फैसला आदमपुर से किया है, तो अब ये सीधा मुकाबला है दो लोगों के बीच में, एक आदमपुर का स्थानीय वासी, आदमपुर का रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा जो अभी अभी चुनाव लड़ने के लिए एक दो महीना पहले ही विदेश से लैंड किए हैं, विदेशी उम्मीदवार जिनको हम कह सकते हैं, आदमपुर में रहते नहीं है, आदमपुर में कभी कभार भ्रमण करने के लिए आते हैं, आदमपुर के गांवों को आदमपुर के लोगों के बीच में रहते नहीं, उनकी समस्याएं जानते नहीं, सुनते नहीं। और पहले भी जब लोकसभा चुनाव भव्य बिश्नोई ने यहाँ से लड़ा था हिसार से, तो इसी कारण से उनको आदमपुर की जनता ने सिरे से नकार दिया था बिल्कुल, और उनको करारी हार आदमपुर विधानसभा के अंदर उस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी।